हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे मन में हमेशा से एक सवाल उठता है जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, तो आप अपना राय ज़रूर बताना। और ये किसी एक लड़की या फिर एक औरत का प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मेरे मन में भी हमेशा से ये सवाल उठता है, तो सोचा कि आज शेयर करती हूँ। तो देखिए, पहले के ज़माने में जब किसी को बच्चा नहीं होता था तो उसको बांझ बोला जाता था। स्पेशली औरत को ही दोष दिया जाता है हमारे समाज में, बांझ बोला जाता है अगर बच्चा नहीं होता है तो। लेकिन आज के ज़माने में बांझपन जैसा कोई रोग है ही नहीं, क्योंकि बहुत एडवांस हो चुकी है हमारे जो मेडिकल सुविधा है ना, वो बहुत एडवांस हो चुकी है। बहुत सारे गायनिक हॉस्पिटल, बड़े बड़े सब में ट्रीटमेंट होता है ऐसे गायनोकोलॉजी प्रॉब्लम जो होती है लड़कियों को, औरतों को, उसका। और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो रहा है आजकल बहुत सारे जगहों पे। IVF कराते हैं जिसमें अपना ही अंश गर्भ में रखा जाता है। अगर नेचुरली कंसीव नहीं हो पाता है किसी भी औरत, किसी भी महिला को, तो वो आर्टिफिशियली किया जाता है और वो अपना ही अंश होता है जिसको गर्भ में रखा जाता है और खुद का ही बच्चा होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के आज के डेट में। तो ऐसे टाइम पे बांझपन जैसा कोई डिजीज़ है ये मुझको नहीं लगता है। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जब औरत को बच्चा नहीं होता था तो बहुत जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो गोद लेते थे, बच्चा गोद लेते थे। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी शादी भी करते थे, ये अपना अपना चॉइस, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन आज के डेट में जहाँ पे इतनी सारी मेडिकल सुविधा है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने का, ऐसे में भी क्या अगर किसी को बच्चा नहीं होता है किसी महिला को, तो उसको बांझ बोलकर उसके हस्बैंड का दूसरी शादी करा देना, ये कितना सही है? मैं ये आप सबसे जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस बात को कोई भी पर्सनली मत लीजिए, ये सवाल मेरे मन में हमेशा से उठता है। तो जो लोग भी ऐसी सोच रखते हैं ना, मैं बस उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी वाला प्रॉब्लम हो रही है, देखिए इतना एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारा खान पान सब कुछ चेंज हो रहा है, हमारा डेली लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुका है पूरी तरह से। तो ये सब कॉमन सी चीज़ है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के वजह से भी। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम किसी को हो, लड़कियों में, छोटे छोटे बच्चियों में भी आजकल PCOD PCOS वाले प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको भी। तो ऐसे में अगर किसी को, किसी महिला को, किसी की बेटी बहू को ये सब इनफर्टिलिटी वाला प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि ट्रीटमेंट से सारे समस्या का हल हो सकता है। उनको बांझ वगैरह बोल के, बच्चा नहीं होगा बोल के हस्बैंड की दूसरी शादी करा देना इज़ नॉट ए ऑप्शन। अगर हस्बैंड की दूसरी शादी करा देते हैं और उसको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो क्या फिर से शादी कराते रहेंगे? क्या नहीं करा सकते ना बार बार शादी? तो इस वजह से जो जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है उसको बने रहने देना चाहिए। और जिन पैसों से दूसरी शादी कराने का जो ख्याल आता है मन में, उन पैसों से ही ट्रीटमेंट करा देंगे ना, तो वो औरत, वो महिला भी माँ बन सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट ही एक ऑप्शन है। सच में औरत का माँ बनना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत, क्योंकि सोशल प्रेशर भी रहता है। सबसे पहले तो फैमिली प्रेशर, फैमिली वाले खुद कोई पराया आकर नहीं बोलेंगे कि दूसरी शादी करा दो बोल के, खुद अपने घर वाले पहले एक्शन लेते हैं, नहीं दूसरी शादी करा देते हैं, इसको तो बच्चा नहीं हो रहा है तो ये तो बांझ है बोल के। तो सबसे पहले दुश्मन बन जाते हैं परिवार वाले, फैमिली वाले। तो मेरे हिसाब से एक औरत का माँ बनना बहुत 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 ज़रूरी होता है। लोग सवाल नहीं उठा पाते हैं, फिर लोग उंगली नहीं उठा पाते हैं माँ बनने के बाद। तो इसलिए मेरा ये थॉट है, मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी को ऐसे इनफर्टिलिटी वाला प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है। दूसरी शादी करा देना ये इंसानियत नहीं है। तो आप सबका क्या ख्याल है, आप प्लीज़ कृपया करके मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी बताएंगे ना तो भी चलेगा, आप अपने मन में तो सोच सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या एक्शन लेते, आपका क्या एक्शन रहता है ऐसे में, आप क्या करते। तो जब भी मैं ऐसे अकेली होती हूँ ना तो ये सब चीज़, ये सब ख्याल मेरे मन में बहुत आते रहते हैं, बहुत मैं सोचती रहती हूँ इन सब के बारे में कि कितने सारे लोगों के साथ ना ये सब होता होगा, वो लोग कैसे करते होंगे, कैसे इन सिचुएशन को फेस करते होंगे बोल के। तो इस वजह से मैंने आज सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब एक औरत को, एक महिला को बच्चा नहीं होता है ना तो बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं, उसको अशुभ बोलते हैं, उसका चेहरा देख के कहीं जाना वो अशुभ होता है बोलते हैं, वो किसी पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकती बोलते हैं, और भी कितने सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता होगा उन लोगों को, उनके परिवार वालों से। और किसी के घर अगर बच्चा हो जाता होगा तो उसको कितना ताना सुनना पड़ रहा होगा कि उसके घर बच्चा हो गए, उसके घर बच्चा हो गए, उसके घर दो बच्चा हो गए, उसके घर तीन बच्चा हो गए, इसको ही नहीं हो रहा है बोल के। तो मैं चाहती हूँ भगवान सबको वो खुशी दे, सभी औरत को वो खुशी मिलनी चाहिए, और सभी औरत, सभी लड़कियाँ माँ बनने का जो सुख है, माँ बनने का जो सौभाग्य है वो डिज़र्व करते हैं, और इसलिए सबके गोद में बच्चा दे भगवान। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ भगवान से, मेरे दुआ में एक दुआ शामिल है जो कि हर औरत हमेशा सुहागन रहे उसका पति के साथ, उसके साथ हमेशा बना रहे उसका पति के साथ, और उसको माँ बनने का सौभाग्य मिले। मैं हमेशा अपनी दुआओं में ये शामिल रखती हूँ कि हर औरत को अपने पति का साथ मिले, वो अपने पति का साथ हमेशा रहे, और उसको माँ बनने का सुख, माँ बनने का सौभाग्य मिले। तो मैं चाहती हूँ मतलब हर औरत को माँ बनने की खुशी मिले। और तो जब मैं ऐसे किसी महिला, किसी औरत के साथ बात करती हूँ जो ऐसे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके घर बच्चा कब आएगा बोल के, तो मैं उन लोगों को अपनी कहानी बता के, अपनी स्टोरी बता के धैर्य देती हूँ कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना बोल के। क्योंकि मुझे भी 5-6 साल बाद बच्चा हुआ, तो मैं भी उस चीज़ के लिए तरसी हूँ ना, माँ बनने के लिए मैं तरसी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी औरत ना तरसे इस चीज़ के लिए। तो मैं उनको मेरे बारे में बताती हूँ कि आप धैर्य मत हारना। मैंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, मैं कभी भी परेशान नहीं हुई, कभी भी नहीं घबराई कि मुझको बच्चा नहीं होगा बोल के। मैं बहुत 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 भरोसा करके, बहुत विश्वास के साथ मैं परमेश्वर के ऊपर आस्था रखी थी कि बच्चा तो होगा, ज़रूर होगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले ऊपर वाला मेरा साथ ज़रूर देगा बोल के। थोड़ा सा मेडिकल इशू मेरा भी था लेकिन वो ठीक हो गया, और इसके लिए मैं दुआ और दवा दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। दुआ भी इसके लिए काम आया और दवा भी काम आया। मैं बहुत सारे मेडिकल्स डॉक्टर को भी दिखाई, और साथ में बहुत प्रार्थना भी की हूँ, भगवान का आशीर्वाद है तब जाकर सब कुछ हो पाया। तो मैं मेरी कहानी बताती हूँ, मेरा तो केस थोड़ा सा मतलब भयंकर है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा भयंकर है मेरा केस। ऐसा था, उम्मीद खो दिए थे सभी लोग जैसे कि मुझको कभी बच्चा भी होगा बोलकर। तो मेरा केस ऐसा था, तो मुझको बच्चा हुआ तो आप लोगों को तो ज़रूर होगा बोल के मैं उन लोगों को धैर्य देती हूँ। बस मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है ना वो हमेशा चालू रखने के लिए बोलती हूँ, और ऊपर वाले के ऊपर आस्था, वो बहुत ज़रूरी है। आस्था बहुत ज़रूरी है, आस्था बहुत हिम्मत देता है। भगवान के ऊपर हम जो आस्था करते हैं ना वो इंसान को बहुत हिम्मत देता है। तो मैं हमेशा लोगों को ये कह के उनके आत्मविश्वास बढ़ाती हूँ। तो अगर आप भी, आपके आसपास कहीं पे ऐसे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको अच्छे से डॉक्टर सजेस्ट कीजिए, और उनको कभी भी ताना वाना मत मारना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। क्योंकि मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा जब ख्याल आता था ना तो मुझको भी काफ़ी लोग मोटिवेट किए हैं कि तुझको तो ज़रूर बच्चा होगा, तू परेशान मत हो, भगवान के ऊपर भरोसा रख, हम सबका दुआएँ भी तेरे साथ है बोलकर मुझको काफ़ी लोग मोटिवेट किए हैं ना। तो इसलिए आप सबको भी मौका मिलता है ना कभी किसी ऐसे महिला औरत
को आप देखते हैं जो परेशान है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से, उनको बच्चा बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी दुआओं में उनको ज़रूर शामिल रखना, भगवान से प्रार्थना करना उनके लिए, और आपको बहुत खुशी होगी जब उनके घर बच्चा आएगा ना, तो आपको कितनी खुशी होगी देखना कि हमारे दुआओं में भी वो शामिल थी, हमने भी भगवान से उनके लिए प्रार्थना किया था बोल के। आपको बहुत खुशी होगी जब आप उसके गोद में बच्चा देखेंगे। तो इसलिए अच्छे इंसान की तरह इंसान की अच्छाई सोचना चाहिए, और आप ऐसे महिला को देखेंगे ना तो आप ज़रूर से दुआ करना। तो मेरी बस आ गई है अभी, बाय बाय।